हरिद्वार जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर ठकरी नाले की कॉम्बिंग की। इस दौरान 5 अलग अलग स्थानों पर कुल 9 टबों में लगभग 2,250 के जी लहन तथा अवैध शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए, लेकिन इस कार्रवाई में कोई भी शराब तस्कर गिरफ्तार नहीं हो सका। आबकारी विभाग द्वारा आसपास के गाँव में भी पूछताछ की जा रही है। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि दिनारपुर ठकरी डेरे के पास जो नाला बह रहा है उसमें अवैध मदिरा निकाले जाने के लिए लहन डाला गया है। सूचना के आधार पर मौके पर जाके उस नाले की कॉम्बिंग के दौरान 5 अलग अलग स्थानों पर कुल 9 ड्रमों में लगभग 2,250 केजी लहन तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। लहन तथा उपकरणों को मौके पर नष्ट कर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किया गया है तथा आसपास के गांव में जाकर लगातार पूछताछ की जा रही है। इस दौरान लॉकडाउन के कारण मदिरा दुकानों के बंद होने के कारण अवैध मदिरा निष्कर्षण की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस कारण हमारा पूरा ध्यान इस ओर लगा है कि अवैध मदिरा से किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, इसलिए लगातार इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और जो कि आगे भी जारी रहेगी। वहीं थराली के कुलसारी बाजार क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर थाना अध्यक्ष थराली ध्वजवीर सिंह पंवार के नेतृत्व में दरोगा नितिन बिस्ट ने मैं पुलिस फोर्स से एक सब्जी की दुकान पर धावा बोला, जहां से पुलिस टीम ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। वहीं मामले में थाना थराली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी। करीब 9:30 बजे करीब सूचना मिली कि कुलसारी में एक व्यक्ति सब्जी के दुकान के आड़ में अवैध शराब भी बेच रहा था। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर छापा मार गया तो उसके सब्जी के आड़ में इसके द्वारा अपनी दुकान में दारू बेची जा रही थी, जिसमें हमें 3 पेटी मिली है। तो 2 पेटी पूरी है, 1 पेटी में इसने जो है अधिकतर दारू बेची, इसमें और 4 हाफ बचे हुए थे। तो 2 पेटी और 4 हाफ इसमें कुल बरामद हुई शराब। इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। ये भुवन सिंह भंडारी है, कुलसारी का निवासी। इसके खिलाफ 60 एक्साइज एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और विवेचना की जा रही है।